के भाजपा विधायक राजेश गौतम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता से करीब 3.5 लाख की हुई टप्पेबाजी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज विधायक ने पुलिस इंस्पेक्टर को जमकर खड़ी कोटी सुनाई है। मामला कादीपुर कोतवाली के स्थानीय कस्बे की बताई जा रही है। ये पूरी घटना जहां बनके गांव के रहने वाले भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह की बाइक की दिग्गज से शुक्रवार की शाम कुछ अराजक तत्वों ने करीब 3.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर ली और इसी पूरे मामले में दर्जनों की संख्या में भाजपा नेता कादीपुर कोतवाली पहुंचे थे और आरोपी टप्पेबाज को पकड़ने के लिए पुलिस को प्रेशराइज भी किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने मोर्चा संभाल लिया है अब और उन्होंने कादीपुर पहुंच करके कोतवाल अनिल सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई, फटकार लगाई कहा जा रहा है। कितने अपराधी जो वांछित जो एच एस है कितने अपराधियों को रखे हो आप? अरे सब क्या था आप बांधो जानो तो तुम बांधोगे नहीं, ये वर्दी अगर पहने तो इस तरीके से मानवीय काम करोगे तो कैसे आम आदमी जाएगा यार? पता नहीं आप कितनी उम्र हो गई काम ये वर्दी पहने हुए? हमारे घर में डिपार्टमेंट में हम लोग भी है लेकिन कभी 5 साल में कर, लेकिन इस तरीके से हम पहली बार घटना हुई। बैठा के आप बांधे पड़े हुए हो? अरे बंधा हुआ है, बंधा हुआ नहीं, हमारा भी तरीके मुड़े हुए हैं। अगर नहीं चोरी में लिप्त है, अगर नहीं चोरी तो आप क्या करोगे सर? पूछताछ के बाद जो आदेश, अरे आदेश क्या है यहाँ मैंने मतलब कि यही आप सीखो ट्रेनिंग के समय अगर एक बटे अगर आप मारे हो अगर मालूम के आधार पे है सत्य रखे हो आप। बड़ी खबर है, राधा रानी मंदिर के पास अवैध दुकानों को हटाने पर विवाद हो गया है। दुकान हटाने पहुंचे गार्डो के साथ दुकानदार ने मारपीट कर दी और मारपीट में खबर ये कि 2 लोग घायल हुए हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंदिर प्रबंधन ने दुकानदारों के खिलाफ तहरीर दी थाने में। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर राधा रानी मंदिर के पास अवैध दुकानों को हटाने पर विवाद हुआ और दुकान हटाने के लिए पहुंचे गार्डो के साथ दुकानदार ने वहां पर मारपीट की है और इसी मारपीट में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, वही फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। अब मंदिर प्रबंधन ने दुकानदारों के खिलाफ थाने में शिकायत की है, तहरीर दी है। राधा रानी मंदिर के पास अवैध दुकानें जिनको हटाने के लिए वहां पर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई शुरू हुई तो दुकान हटाने के लिए पहुंचे गार्डो के साथ में दुकानदार ने वहां पर मारपीट की, दुकानदारों ने मारपीट की है और 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है मंदिर प्रबंधन की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।